हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो अगर मैं पेमेंट ना करूं तो खुद ही एनपीए पहुंच जाएगा, तो उसकी छोड़ो आप। सर मगर इस महीने कराकर 3 महीने तक पे मत करना, सेटलमेंट हो जाएगा फिर आपका। लेकिन इस महीने तो कराओ सर, इस महीने की। कैसे हो हमारे सभी के भी मेंबर्स? तो मैडम बोल रही है सर आप पेमेंट करा दो, 3 महीने तक कॉल्स नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। अगर आप किसी को लोन दोगे अपनी तरफ से, आपने मान लो किसी रिश्तेदार को दे दिया, भाई आपने 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने आप हर 5 दिन में कॉल करोगे क्या हुआ मेरे पैसों का क्या हुआ, तो ये कैसे रुक जाएंगे? ये तो हर दिन कॉल करते हैं, वो भी इनकी कोई लिमिट नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, आप एक बार ईएमआई दे दो, 3 महीने तक कॉल नहीं आएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। और मैडम बोल रही हैं कि सर सारे कोटक का केस मेरे पास आता है, या आप जिसके भी पास कोटक का केस जाता है ना, मेरे आजू बाजू बैठे होते हैं सारे बंदे। तो मैडम कोटक बैंक के ओनर का चार्जिंग पॉइंट है, इसलिए सारे कोटक के केस मैडम की झोली में डाल दिए हैं कोटक के ओनर ने। तो ये कोटक के सारे केस मैडम संभाल रही है, हमारे कितने भी एजेंसी वगैरह होंगे मैडम के आजू बाजू हैं आगे पीछे। तो ऐसे लोगों की बातों में दोस्तों बिल्कुल नहीं आना है कि सर आप दे दो, सर आप मुझसे कॉन्टेक्ट में रहना, सर मैं आपका सेटलमेंट करा दूंगी, मैं आपका ये करा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आप इनके कांटेक्ट में रहोगे, इनका टारगेट पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये सेटलमेंट वही अपना आपका एनपीए के बाद वही 50% पर कराएंगे सेटलमेंट, 50% पे या तुम्हारा कुछ 60% पे सेटलमेंट कराएंगे, और बाद में आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे अगर नहीं कराना हुआ, इनका टारगेट पूरा हो जाएगा तो। यानी आपसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, जैसे उन्होंने मोहतरमा ने कह दिया, तो ऐसे लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं माननी है बस। और इतना ही कहना चाहूंगा अंत में, हंसते रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हेलो। हाँ कमल जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, कोटक की ईएमआई पे करने वाला था आज। अच्छा ऐसी बात है क्या जी? आपका नाम? सर नेहा। कोटक की एम आई पे अब नहीं करेंगे मैडम, अभी करेंगे कोटक की एम आई 2 महीने बाद। तो मैंने कहा था क्या आपसे? हाँ सर, आपने बोला था कि आज पे कर दूंगा 30 तारीख को। कोटक की एम आई मैडम थोड़ा सा इशू आ गया अभी, अभी हम क्या कहते हैं इसको, हम सेटलमेंट करने की सोच रहे हैं। सर सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है सर, ई एम आई तो करवा दो। कब होगा सेटलमेंट? सेटलमेंट आप इस महीने की ईएमआई करवाओगे मैं आपको बोल डालूंगा, 3 महीने तक आप पे ही मत करना। मैडम मैं खुद जो है ना, मैं खुद रिकवरी एजेंसी से हूँ, तो अगर मैं पेमेंट ना करूँ तो खुद ही एनपीए पहुंच जाएगा, तो उसकी छोड़ो आप। सर मगर इस महीने कराकर 3 महीने तक पे मत करना, सेटलमेंट हो जाएगा फिर आपका। लेकिन इस महीने तो कराओ सर, इस महीने की। नहीं मैडम कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। ऑफर दिला दूंगी ना आपको। आप मेरे कांटेक्ट में रहना। सर देखो आपको भी पता है, आपको अच्छे से नॉलेज है, एनपीए में जाकर ही सेटलमेंट होता है, ठीक है? मैं तो राइट ऑफ में करूंगा। राइट ऑफ में करोगे? हाँ। सर फिर इतना मौका भी नहीं मिलेगा आपको राइट ऑफ में जाने का। फिर भी मैं आपसे सजेस्ट कर रही हूँ, इस महीने ही करवा दो, करवा दो, उसके बाद 3 महीने तक पे ही मत करना। और मैडम ऐसा कुछ नहीं होता, रोज कॉल आएंगे, रोज परेशान होगा तो इसी महीने। अरे नहीं आएंगे सर, सेटलमेंट मैं करवाऊंगी जब आपका। किसने बोल दिया मैडम आपसे? मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं एजेंसी से हूँ, तो आप मुझे मतलब उल्लू बना दोगी? उल्लू थोड़ी बना रही हूँ सर, जब मैं बोल रही हूँ आपसे तो थोड़ी तो वैल्यू होगी मेरी जबान की भी। नहीं मैडम, वैल्यू रिकवरी वालों की जबान की मैं मानता नहीं हूँ। सर मैंने आपसे क्या मतलब, क्या रिकवरी कर दी आपकी? कलेक्शन से तो हो, कलेक्शन लाइन वाले बहुत दूर। फिर भी क्या रिकवरी कर दी? मैंने तो डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ, आपने आप बोल रहे हो ना, आपको 30 का कॉल किया। जैसे आप बोल रही हो ना, वैसे मैं बोलता था कि भाई एक बार पे कर दो, 2 महीने तक कॉल किया। अरे सर नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट ये फैक्ट है कि सेटलमेंट जो होगा आपका एंट्री के बाद होगा, आपको भी अच्छे से पता। अगर आपने काम किया है, अच्छी बात, आपने काम कर रखा है, ऊपर ले जा रहा हूँ ना राइट ऑफ तक। सर मैं बता तो रही हूँ, आप मेरे टच में रहना, लेकिन मेरे लिए ईएमआई करा दो आज। नहीं मैडम आप प्लीज करा दो, देन उसके बाद ना मेरे बात कर लो। नहीं मैडम, अच्छा आपको इतना जानते हैं? अरे सर प्लीज समझो सर। मैडम आप दूसरे से टारगेट पूरा करोगे, आप कितना जानते हैं एजेंसी में? सर मेरे को 4 साल हो गए। अच्छा मैंने 6 साल काम किया था TI का। अच्छा 2 साल एक्स्ट्रा ही कर दिया। मैं आपसे जब बोल रही हूँ सर, देखो जान पहचान बनाने से है ना फायदा मिलता है कस्टमर को। मैं कह रही हूँ जो अगर आप मेरे साथ कॉपरेट करोगे तो मैं आपके साथ भी करूंगी, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक द पेमेंट।
ठीक है मैडम, मैं सोचता हूँ। देखता नहीं सर, इतने एक पूरा महीना आपको दिया है, ईमानदारी आपने बोल दिया कि मैं ठीक है 30 को करूंगा, पढ़ लेना। पूरे महीने कोटक से कॉल नहीं आया क्या मुझे? नहीं सर, मेरे पास केस है, मैंने कॉल ही नहीं किया आपको। मैडम सेटलमेंट होगा तो मेरी इच्छा है, सेटलमेंट करा दूंगी ना सर, सच में करा दूंगी। एक बार एक करा दो ना सर प्लीज सर। नहीं मैडम सर, सर ऐसा मत करो सर, मैं 6 ऑफर दिला दूंगी ना आपको। 6 ऑफर देखो ऐसा है, आपका जो कोटक है ना, वैसे तो 50 से देखो ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं जो हम अड़े रहे हैं तो कम से कम सबसे अच्छा जो ऑफर आता है उसका 35 आता है। अच्छा कितना पे करना चाहते हैं सेटलमेंट में? 35% आता है, 35% पेमेंट करने को। अरे सर आपको भी अच्छे से पता, 35 एकदम तो मिलना सर आपको? एकदम नहीं मिलेगा, वही तो कह रहा हूँ अड़े रहे तो। हाँ वो अड़ा रहा, मतलब जो आपका प्रिंसिपल उसका 35 नहीं मैडम टोटल का होता है 35। हाँ तो वही कह रही हूँ ना। हाँ तो हम अड़े रहेंगे, ठीक है अड़े तो रहो, ईएमआई के बाद अड़े रहो, मैं भी सपोर्ट कर लूंगी फिर आपको। मैडम आप सपोर्ट नहीं करोगे, ईएमआई मिलती है भूल। अरे सर क्यों नहीं करूंगी, नंबर सेव कर लो ना सर, नंबर सेव कर लो, किसी की भी कॉल है वो ना यहाँ से बात चल रही है। कुछ नहीं होता मैडम, यहाँ से बात ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ टाइम बाद आपके यहाँ से ये केस निकल जाएगा आपके हाथ से, जब पेमेंट कर दूंगा ना। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मेरे पास ही रहता है कोटक पूरा। अच्छा जी, पूरी टीम यही बैठती है, जिसके पास भी जाएगा ना मेरे बराबर में, बराबर बराबर में मिलेंगे सारे। सच में मतलब और एजेंसी आपके बराबर में है क्या? अरे सच में सर, राइटो बकेट 4 बकेट 5 सब यही है। तो आप एक काम करो, इसको ना डायलर पे चढ़वा दो नंबर को, राइट ऑफ के बाद आपसे बात करेंगे। अरे सर अभी आप परेशान हो जाओगे, डायलर पे मैंने चढ़वा दिया तो। किसने बोल दिया आपको? मैं बताया दिन में बहुत सारे कॉल अटेंड करता हूँ 6-7। अरे मैं कह रहा था मैंने अभी तक आपको डायलर पे चढ़ाया ही नहीं है नंबर, मैं तो परेशान हो गया। तो मेरे ऊपर मल्टीपल लोन है तो मैं दिन में कम से कम 400 कॉल तो अटेंड करता हूँ। वो ये ना मल्टीपल लोन है ना, और कहीं से कॉल आ रही होगी, आपने मुझे बोला कोटक की मैं 30 होगी, मैंने आपको सिंगल कॉल नहीं करी, आज करी, आज आप ऐसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो। वही तो कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप चढ़वा दोगी तो सही है सर, सही मैं बोल रही हूँ जब आपसे। नहीं मैडम आप चढ़वा दो, आप चढ़वा दो, 20-30 कॉल और बढ़ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। सर आप ना ये ठीक है, हो गया रख दो, आपको इंटेंशन नहीं है। थैंक यू, ठीक है मैडम। हेलो हेलो जी, कैसे? बहुत बढ़िया, आप बताइए। सर मैं रामल फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, ये आपका रामल फाइनेंस है? बताओ क्या बात कर रहे हो, बताओ क्या बात कर रहे हो, करो जी। विकास सिंह बात कर रहा हूँ। विकास सिंह बात कर रहे हो? सर आपने बोला कि हाँ विकास बात बोल रहे हो। यार मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, अपना नहीं पूछ रहा, मैं तो विकास बोल रहा हूँ, तुम्हारा पूछ रहा हूँ। मैं सूरज बात कर रहा हूँ। सूरज अगुई ना बात बताओ फिर क्या बात करनी है? सर मैं आपका परमानेंट रुका हूँ, परमानेंट क्यों करा रहे आप? रेफर का प्रामल फाइनेंस का प्रामल, ऐसा है ना कल मेरे साथ एक हरकत हो गई। हरकत ये हो गई कि जो मेरे मुंह से जो है ना पीटी पे निकलना था ना, कल मेरे सर पे पंखा गिर गया तो आरटीपी निकलता है, आरटीपी एक जो है ना शब्द पी का आर बन गया, तो इसलिए आप आरटीपी डाल दो, पता नहीं आरटीपी निकल रहा है पीटीपी निकल ही नहीं रहा। जब तक ये पंखे की चोट सही नहीं हो जाएगी, काफी गहरी लग गई, एकदम ढक से सिर पे आगे लग गया, मतलब ऊपर से लग गया। नहीं 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 आप ये कब तक ऐसे पेमेंट रोके रहो अभी, कब तक? चोट सही जब तक नहीं होती, 2-3 महीने जैसी सही हो जाएगी पेमेंट कर देंगे। अभी एकदम से क्या कर रहे हैं, आगे ढक से गिर गया, उसका वो होता है ना वो रोकने का, उसको क्या कहते हैं उसकी वो क्या बोलते हैं यार, वो गोल सी आती है काली सी, उसमें फंसा हुआ था वो एकदम ढक से उठ गया, एकदम मेरे सिर पे आगे गिर गया। हेलो तो बात हाँ देखो आरटीपी डाल दो, मुझे आरटीपी नहीं करना है सर। आरटीपी तो मुझे डालने में कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल दूंगा, बट आप ये बताइए तो ऐसे कब तक चलेगा?
ऑलरेडी 5 महीने से आपने सेटलमेंट तो बताया, जब तक चोट सही नहीं होगी, 5 महीने रोक लिया ना, 3-4 महीने में चोट सही हो जाएगी, फिर कर देंगे, 9 महीने तक रुक जाओ मिला जी। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको एक मिनट टिकट लेने देंगे, मैं सबसे बात करा रहा हूँ, आप बोल दीजिए तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। किससे बात करा रहे हो? हेलो अरे किससे बात करा रहे हो? जी सर बोलिए, किससे बात करा रहे हो, क्या नाम है? सर एक मिनट रुकने कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए, सर से बात करा रहा हूँ। इतनी देर में बताया क्या क्या हो जाता? हेलो, हाँ हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आपका नाम? हेलो, बहुत बढ़िया, आपका नाम? जी अंकिता जी, मैं सौरभ बात कर रहा हूँ। सौरभ जी, हाँ जी मिस्टर सौरभ, पता कल मेरे साथ क्या हुआ? आपको आवाज बड़ी कम है, आप बोल कौन रहे हो, कौन बोल रहे हो, टीएल बोल रहे हो या क्या कहते हैं सीनियर बॉलर बोल रहे हो, मैनेजर बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? आप बोल कौन रहे हो, सीनियर बॉलर हो, मैनेजर हो, टीएल हो, कौन? ब्रांच कलेक्शन मैनेजर हो। अच्छा, ब्रांच कलेक्शन मैनेजर हो, बताइए। तो है ना मैनेजर साहब, इसका पेमेंट 2-3 महीने बाद देंगे, अभी 2-3 महीने बाद देंगे, अभी इसका पेमेंट 2-3 महीने बाद, ऐसा क्या महीने बाद, जब 2-3 महीने बाद देंगे, थोड़ा अभी ऑल लोन सेटल कर लिए ना हमने, नहीं हम अभी कुछ करेंगे नहीं ना, अभी 2-3 महीने अभी ऑल लोन सेटल कर लिए ना, उसमें पैसे दे दिए। तो आपने लोन सेटल करने के लिए लिखा है? अरे यार 5 महीने से नहीं दिया, यानी कुछ प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे लोन थे, लोन और सेटल कर लिए, पैसे नहीं बचा। तो आपने वही बोला ना, आपने चीजें क्या बोला कि बहुत सारे लोन, मेरे और भी लोन थे, मैंने वो सेटल कर दिए, तो आपने लोन सेटल करने के लिए लिया ना, देने के लिए कि आपने दो हजार फंस गया मैं लोनों में फंस गया, जैसे तुम्हारा लोन ना वैसे लोनों में फंस गया, तो मैंने लोन सेटल कर लिया। अब बात में ले लेके आप बात कर रहे हो, उसे तो यही लग रहा है कि आपने शुरू करने के लिए, ये बात कर रहे हो, वो बात कर रहे हो, बैंक रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा है, किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हो, पैसे भी ये बात कर रहे हैं ना आपसे, शांति शांति प्यार से, ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, जिस एजेंसी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे गुस्सा तो आया ना सर, मेरा पैसा फंसा हुआ है, तुम्हारा पैसा तो ऐसे बोल रहा है, तुम्हारे घर से उठा लिया था, कंपनी का दिया हुआ है ना, तो सही से मिल गया, शांति से रहे यार, क्यों उसने जोश मारा है? कंपनी वही शादी की थी क्या, वही शादी की थी क्या, मैं कह रहा हूँ वही शादी की थी क्या, वही सब कुछ करा था क्या, मेरा घर है यार, सैलरी मिल रही है, मजे से रहे, क्यों उतना जोश में आ रहा है, प्यार से बोल, जब तुझसे बोल रहा हूँ प्यार से बोल। अरे मैं जो है ना जो कलेक्शन मैनेजर है, मैं मैनेजर था कभी एजेंसी में, रिकवरी एजेंसी में, मैं तो इंटेंशनली कर रहा हूँ, मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ, निकाल मुझसे पैसे, निकाल पैसे, निकाल मुझसे कैसे निकाले, प्यार से बात कर रहा हूँ, बेफालतू का चौड़ा बंदा है, आपको नहीं देना पैसा, सीधे मना करो, गोल गोल मत घुमाओ, गोल गोल मैं तो ये प्रॉब्लम बता रहा था, लेकिन मैं भूल गया था ना, प्रॉब्लम किसी को भी बता दो वो समझ जाएगा, प्रॉब्लम जिसकी लाइफ में होती है वो सुबह, मैं तुझे प्रॉब्लम बता रहा था, मैंने कहा तू समझेगा, लेकिन वो है ना रोबोट को अगर समझाओगे वो समझेगा कभी नहीं जीवन में, तो तू रोबोट है, तो मैं नहीं दे रहा, इंटेंशनली नहीं दे रहा, जो कार्ड में वो कार्ड, ठीक है? देखो अभी आपने सच बोला ना, अभी मेरे को समझ में आपकी बात, सच बोल दिया मैंने, सच बोल दिया। कभी भी कोई भी चीज होती है ना, उसको सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान इतना है तेरे पूरे खानदान को पढ़ा दूंगा, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, डिस्कनेक्ट कर दो, बता दो सर, सर आप ये टू करके बात मत करिए, फिर टू करके बात मत करिए, मैंने शुरू की थी बदतमीजी, मैंने शुरू की थी बदतमीजी, मैंने शुरू की थी बदतमीजी, आपने पैसा ले, अरे मैंने शुरू की थी बदतमीजी, क्या मैंने बोला प्यार से बोल भाई, बोल रहेगा गुस्सा इसको नहीं आएगा, मेरा घर है मेरे लिए, ये बदतमीजी का सामान है, जो तुमने तेज में बोल दिया ना, तेजी में ईयरफोन्स लगाइए, उसको तसल्ली से सुनिए, ना मैंने सुन लिया, मेरे लिए बदतमीजी से कम नहीं है, मेरे लिए बदतमीजी से कम नहीं है, जो तुमने तेज बोल दिया,
मेरे लिए बदतमीजी से कम नहीं है जो तुमने तेज बोल दिया। तुम कह रहे हो मेरा घर है चैन से मिल रही है मजे ले रहा है। बदतमीजी से कम नहीं है पर मैं उस चीज को आपको बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ गाली बच के बात कर। अब तुम्हें तो तू करके करूंगा। तूने क्या कह दिया? जब मैंने कहा था कि भाई प्रॉब्लम दे प्रॉब्लम में घुसे जा रहे हो मैं तो जानबूझ के नहीं दे रहा। मैं समझा अपनी प्रॉब्लम बता दूं लेकिन प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी ना तुम्हारा। प्रॉब्लम किसका भी बता लो। कस्टमर की मार नहीं है। कब आप मुझे बताइए ना? अभी तक नहीं बताया। फिर प्रॉब्लम ही बता रहा था लेकिन बीच में घुस गया। भाई तुम प्रॉब्लम ही बता रहा था अभी लेकिन बीच में घुस गया। उतर गए मैदान में तलवार लेकर तो मैं क्या करूं? अभी इसमें आपको कोई लेआउट निकालना है या आपको चीजों को ऐसी रखना है? अभी आईटीपी डाल दो और ऐसे छोड़ दो। कोई नहीं सर, आपका अकाउंट फ्री में डाल दो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।